नहीं करते। और यही तक नहीं, ये भी कहा था कि जो हमारे हिंदुस्तान पर जो कब्जा किए विदेशी दुश्मन जो कब्जा किए हैं, चीन और पाकिस्तान जो हमारी सीमाओं पर कब्जा किए हैं, उसे हम वापस कर लें। तो आपने देखा होगा एक भी नारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने पूरा नहीं किया। और ऐसे निर्णय लिए हैं, नोटबंदी से हम पूछना चाहते हैं देश की जनता को क्या फायदा। नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था चौपट हुई। कहा था कि हम जीएसटी जब लगेंगे, जीएसटी कानून बनेगा, तो देश की जनता पर, देश की जनता पर केवल एक ही कर लगेगा। और आप देख रहे हो कोई फायदा नोटबंदी, जीएसटी और आधार जैसे निर्णय से देश की जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। बहुजन पार्टी के नेता ने मायावती जी पर भरोसा किया नहीं जा सकता। समाजवादी पार्टी के जो नेता है अखिलेश यादव, उन पर कोई भरोसा किया नहीं जा सकता। बताइए भरोसा किया जा सकता? चुनाव जीतने के बाद ये मायावती जी फिर भारतीय जनता पार्टी में मिल जाए। और कई बार आप देख चुके हो भारतीय जनता पार्टी से मिल करके सरकार बना। हम तो फिरोजाबाद से जीते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे साथ कम से कम 20 मजबूत सांसद हमारे पीछे खड़े। और यहीं तक हम चुप नहीं बैठे। इस चुनाव के बाद आप सब लोग जानते हैं कि हम अकेले 2 बार एक उत्तर प्रदेश में सरकार बना चुके हैं। तो हम इस चुनाव के बाद इस उत्तर प्रदेश के चाहे किसान, गरीब, मेहनत मजदूर और यहाँ तक कि सभी वर्ग के लोगों को इकट्ठा करेंगे। और इकट्ठा करके इस उत्तर प्रदेश में 2022 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे।